अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम तारुफ हदीस और सुन्नत के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल वैसे ही इंटर और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने किया है इसको तैयार। तो इंटर के जो हैं उनके वही बात कि उनका तकरीबन 60 मार्क का जो पेपर है वो उनका आता है जो आपके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और जो डिग्री की हैं उनके 5 क्वेश्चन होते हैं और वो होते हैं 10 मार्क्स के। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने तैयार करनी है। सबसे पहले हदीस के लुगवी मायने, बेसिकली लुगत में अरबी डिक्शनरी में हदीस के क्या मायने हैं। हदीस हादसा इसी से निकला है, जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं ना हादसा, तो वो इसी से निकला है। इसका मतलब है नई बात, नई चीज़, नया काम, कोई भी नई एक्टिविटी जो कि कहीं पर हुई हो उसको हम कहते हैं हदीस। अब जो इस्लाही मायने हैं, वैसे तो हर नए कॉल, हर फेल, हर नई तकरीर को हम हदीस कह सकते हैं, लेकिन जो इस्तलाह है, इस्तलाह हम कहते हैं वो चीज़ जो कि आम तौर पर कम्युनिटी के अंदर राइज हो गई हो। तो जो इस्तलाही मफहूम है, इसे मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल और फेल और तकरीर, मा अज़ीफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन औलिन औ फ़िअलिन औ तकरीर, यानी जो कुछ हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना वो कहीं हदीस हो, वो कहीं कॉल हो, कोई फेल हो, कोई तकरीर हो, तो वो क्या हदीस कहलाती है। अब हदीस की 3 इकसाम है, नंबर 1 कौली, नंबर 2 फेली और नंबर 3 तकरीरी। कौली हदीस हम कहते हैं कॉल को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपनी ज़ुबान से बयान फरमाया उसको हम कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर अलजन्नत तहत अक़दाम अल-उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है, तो ये कौली हदीस हो गई। यहाँ पर एग्जाम्पल है ला तग़ज़ब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गुस्सा ना कर। ठीक है, फेली हदीस वो हदीस है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें करके दिखाई, उसको हम फेली हदीस कहते हैं। जैसा कि आज वसलम ने वज़ू का, नमाज का, रोज़े का, हज का तरीका आपने फरमाया, खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मनासिक सीख लो। इसी तरह यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है, सल्लू कमारो आई तुमूनी उसली, कि जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो ऐसे ही नमाज पढ़ो। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ ये आ गई फेली हदीस के अंदर। उसके बाद आता है तकरीरी हदीस। आप वसलम के सामने किसी ने कोई काम किया, आपने उसको देखा, खामोशी इख्तियार की या उससे मना फरमाया, इन दोनों चीज़ें, या तो आप खामोश हो गए या आपने मना फरमा दिया, तो ऐसी हदीस को हम हदीस तकरीरी कहते हैं। आपने ये नहीं कहना कि वो हदीस जिसके अंदर सुबह से हमने तकरीर की, नहीं, ये बिल्कुल गलत इसकी डेफिनेशन है। तकरीरी हदीस ये है कि कोई काम आपके सामने हुआ, आपने खामोशी इख्तियार की या उससे मना ना फरमाया, तो उसे हदीस तकरीरी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अमर बिन अल-आस ने बीमारी की वजह से तयम्मुम किया, वज़ू नहीं किया, मिट्टी से तयम्मुम कर लिया, नमाज अदा की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, तो आपने उससे मना नहीं किया, गोया आपने खामोशी इख्तियार की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी जवाब की अलामत है कि नहीं, ये काम करना जायज़ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं हदीस तकरीरी। सबसे पहले इसके लुगवी मायने देखें, फिर इस्लाही मायने देखें, फिर कौली हदीस हो गई, फेली हदीस हो गई, तकरीरी हदीस हो गई। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हदीस की इकसाम कितनी है, तो वही ये तकरीबन 3 इकसाम हैं। ठीक है, तो ये 3 इकसाम हमारे सामने आ जाती हैं हदीस की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हदीस से कुदसी, यानी ये क्या चीज़ है। हदीस से कुदसी हदीस के ख़ास किस्म है जिसमें मफहूम अल्लाह की तरफ से होता है और अल्फाज जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, यानी अल्लाह का कलाम बज़बान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको हम कहते हैं हदीस से कुदसी। तो ये हो गया हमारे पास हदीस कुदसी की एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि हदीस के मुताबिक बहुत ज़्यादा ये बातें पाई जाती हैं कि हदीस सही है या नहीं, तो सेहत और ज़ोफ़, यानी हदीस के सही या कमज़ोर होने के अतबार से हदीस की 3 इकसाम हैं। ठीक है, सेहत और ज़ोफ़ के अतबार से हदीस की इकसाम 3 हैं। सबसे पहले को हम सही कहते हैं, दूसरे को हसन और तीसरे को ज़ईफ़। सही हदीस हम उस हदीस को कहते हैं जो बिल्कुल सही हो, जिसकी सनद मुत्तसल, मुत्तसल कहते हैं जुड़ा हुआ होना, कौन सी हो, मुत्तसिल हो, जिसके रावी, रावी कहते हैं हम उन लोगों को जिसने रिवायत की हो, आदिल हों, ज़ाबित हों, और इसमें इल्लत या बुराई, शाज, कमी को कहते हैं ना पाई जाती हो। अब आदिल किसे कहते हैं, आदिल से मुराद हदीस बयान करने वाले का कम किरदार मजबूत हो। मिसाल के तौर पर आपको अगर पता चलता है किसी काम के मुतालिक के कल जो है फलां कॉलेज के अंदर तकरीब हो रही है, या कल जो है फलां कॉलेज के अंदर एक जो है वो कोई मुकाबला होगा, तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि किसने कहा। ठीक है, सबसे पहले आप उसका पता करेंगे किसने कहा, पता चलेगा कि फलां बच्ची ने कहा है या टीचर ने कहा है या फिर प्रिंसिपल की तरफ से ऑर्डर आया है, तो उससे आप ये अंदाज़ा करेंगे कि आया ये
लड़की जो खबर लाई है, ये जो भी खबर लेकर आती है दुरुस्त होती है या नहीं, यानी अगर वो किसी टीचर से सुन के आई, प्रिंसिपल से सुन के आई, तो आप जाहिर सी बात है आप अंदाज़ा करेंगे कि ये लड़की जब भी कोई बात लेकर आती है, कोई पैगाम इसके ज़रिए हम तक पहुँचता है, तो आया वो गलत होता है या सही। अगर तो उस लड़की का पैगाम सही होता है तो आप उस पर गौर करेंगे, और अगर वो अक्सर ही झूठ बोलती हुई तो आप कहेंगे कि नहीं ये भी झूठ होगा। तो यहाँ पर आदिल से मुराद ये है कि वो जो रावी है वो मजबूत हाफ़ज़े का हो, उसकी सनद यानी एक के बाद एक हो, दरमियान में से कोई स्किप ना हो। मिसाल के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सुना, सहाबी ताबी ने सुना, और फिर उसे तबा ताबी, ऐसे ना हो कि सहाबी से डायरेक्ट तबा ताबी, क्योंकि डायरेक्ट तबा ताबी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तो साबित ही नहीं होती, या ताबी की मुलाकात तो है वो साबित ही नहीं होती। आखिर रावी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस बयान करने वाले मुसलसल हों और दरमियान में कोई गावी गायब ना हो। और शाज कहते हैं कि मुखालिफ कोई से मजबूत हदीस ना हो, यानी कोई इसके मुकाबले में कोई और बहुत अच्छा अरावी कोई हदीस ना लेकर आया हो। अब सही हदीस पर इसकी हैसियत क्या है? सही हदीस पर अमल करना कुरान पर अमल करने की तरह ज़रूरी है। उसका रद्द करना ऐसे ही कुफ्र है जैसे कि कुरान पाक को रद्द करना कुफ्र है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बुखारी और मुस्लिम में जो हदीस हैं वो उनको हम सही किस लिए कहते हैं, इन बुक्स को हम सही किस लिए कहते हैं, कि उसमें क्योंकि इसमें जितनी भी अहादीस मौजूद हैं तमाम तर सही अहादीस हैं, सही सनद के साथ हम तक पहुँचे, क्योंकि इनका मियार बहुत टफ था। हसन वो हदीस जिसकी रावी सदाकत अमानत में मशहूर हो और उन पर जूर की तोहमत ना हो, शाज और इल्लत से पाक हों और उसके रावी अच्छे हाफ़िज़े के हों। अब सही और हसन में फ़र्क क्या है? कि सही के रावी हिफ्स में ज़्यादा मजबूत होते हैं, जबकि हदीस या हसन के रावी हिफ्स में दरमियाना दर्जा रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हदीस पर अमल नहीं करना, बल्कि हदीस या हसन पर अमल करना भी ज़रूरी है, ये भी कंपल्सरी है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाते हैं ज़ईफ़ हदीस। ये वो हदीस है जिसके रावियों में हदीस सही और हसन की सफ़ात जमा ना हो और इसके मज़मून में भी शक और शुबा की गुंजाइश हो, तो ऐसी हदीस को हम कहते हैं ज़ईफ़ या फिर कमज़ोर हदीस। ठीक हो गया। तो अब जो है इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं, मुहद्दिसीन ने हदीस पर बहुत मेहनत की, तो यहीं से हमारे पास हदीस सही हसन या ज़ईफ़ का मियार आया। अब है सनद के अतबार से हदीस की इकसाम, बहुत सनद के अतबार से यानी जो रावी हैं उनको आया मुत्तसिल हैं या नहीं, एंड तक वो जा रहे हैं या नहीं। सनद के अतबार से हदीस की तीन इकसाम हैं। मरफू, मरफू कहते हैं ऐसी हदीस जिसके रावी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाए, इसको मरफू या मुत्तसिल कहते हैं, यानी जुड़ी हुई, यानी जैसे इमाम बुखारी की कोई बुक है इन्नमल आमालु बिन्नियात एक हदीस है, ठीक है, तो अब वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, तो उस हदीस के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जो इमाम बुखारी ने उसको रवायत किया है तो उनकी रवायत के दौरान इमाम बुखारी से लेकर जो वो हदीस थी उस तक दरमियान में कोई एक भी बंदा स्किप नहीं है, दरमियान में कोई एक भी बंदा गायब नहीं है, तो ऐसी हदीस को हम कहते हैं मरफू या फिर मुत्तसल हदीस, यानी जुड़ी हुई, इसके रावी मुसलसल जुड़े हुए हैं, इसकी सनत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, ठीक है। इमाम बुखारी और हज़रत उमर फ़ारूक से उन्होंने ये रिवायत की थी, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, तो इस तरह ये मुत्तसल हदीस कहलाएगी, तो इसको हम कहते हैं मरफू हदीस, और ये हदीस की सनत के अखबार से सही तरीन किस्म है। उसके बाद है मौकूफ़, वो हदीस जिसकी नस्बत सहाबी की तरफ हो, यानी इसकी सनत सहाबी तक पहुँच कर मौकूफ़ हो, सहाबी ये ना बताए कि मैंने फ़लाँ मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, तो इसको हम कहते हैं हदीस मौकूफ़। उसके बाद आ जाती है हदीस मुरसल, वो हदीस जिसकी नस्बत ताबी की तरफ हो, यानी उसकी सनद से ताबी तक पहुंच जाए। अब ताबी हम कहते किसे हैं? उस शख्स को जिसने हालत ईमान में किसी सहाबी की ज़ियारत की हो और बज़ाहिर उसकी मौत भी हालत ईमान पर हुई हो, ठीक है। सबसे पहले सहाबी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सहाबी हम ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और हालत ईमान में ही वफात हुई हो। और फिर ताबी कहते हैं हम ऐसे शख्स को जिसने हालत ईमान में किसी सहाबी से मुलाकात की हो और बज़ाहिर ईमान की हालत में उसकी मौत हुई हो। और उसके बाद आता है तबा ताबी, ठीक है। तबा को हम इस तरह लिखेंगे, तबा ताबी हम कहते हैं उस शख्स को जो कि जिसने हालत ईमान में किसी ताबी से किसी मुलाकात की हो और ऐसी हालत में उसकी जो है वो वफात हुई हो। तो ये होगी मरफू, मौकूफ और मुरसल। मरफू कहते हैं ऐसी हदीस जिसकी सनद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाए, मौकूफ ऐसी हदीस जिसकी सनद सहाबी तक जाए, मुरसल ऐसी हदीस जिसकी सनद ताबी तक हो। अब सुन्नत और हदीस के अंदर क्या डिफरेंट है? सुन्नत कहते हैं हम आदत और तरीके को, ठीक है। सुन्नत यानी वो काम जो किसी भी शख्स की आदत बन चुकी हो। हदीस और सुन्नत अगरचा मुतरादिफ और हम मायने समझे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक माइनर सा फ़र्क है।
ठीक है। तो सुन्नत वो आदात हैं जो रसूल पाक सल्लम की, वो अहदीस हैं जो रसूल पाक सल्लम की आदात के अंदर शामिल थी, तो ऐसी अहदीस को हम सुन्नत कहते हैं। अमादीन इल्ल बला।